भलेसा का टूरिज्म, गुंदो भलेसा का एक खूबसूरत इलाका मगर अफसोस की शांत इलाका। मैं इस समय गुंदो भलेसा के डोसा इलाके में मौजूद हूं और आप ये खूबसूरत से मनाजिर जो देख रहे हैं, ये डोसा से बिल्कुल जब आप गाड़ी अपनी पार्क करेंगे तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आप इस झील के किनारे पहुंचेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस झील को कवर किया है और उसके बाद जब स्पेशल सब डिविजन गुंदो का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कार्यभार सुरेश जम्वाल ने संभाला तो उसने इस झील को चारों ओर जो है लकड़ी की फेंसिंग से और भी खूबसूरत बनाया। मगर अफसोस कि यहाँ आज तक किसी ने भी तवज्जा नहीं दी कि आखिर ये खूबसूरत जगह है कहाँ पे। अगर आप भी गुंदो भलेसा में रहते हैं और आपको डोसा वाला इलाका याद है, या अगर आपको ये पता नहीं कि डोसा कहाँ पे है, तो जरूर आप बस स्टैंड गोवाड़ी से जब आप 5 किलोमीटर की दूरी पे भर्ती पहुंचते हैं तो 1 ही किलोमीटर आपने और आना है, उसके बाद आप इस खूबसूरत सी जगह का नजारा करेंगे। फिलहाल मैं इस समय जब यहाँ पे आया तो बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा, हमारे साथ भी कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे आए, इन्होंने भी अपनी रील्स वगैरह बनाई। भलेसा में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मगर अफसोस कि आज तक ये चीजें एक्सप्लोर नहीं हो रही है। बहुत सी वजहें हैं, बहुत सी वजूहात हैं, जिन वजूहात के बिना पे भलेसा जो है एक बैकफुट पे हमेशा रखा गया है। मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई यहाँ पे हैं, वो तमाम लोग कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से भलेसा का कोना कोना जो है वो एक्सप्लोर हो जाए। ये आप इस तरफ भी अगर देखेंगे तो सरसब्ज मैदान है, सरसब्ज मैदान के बीचों बीच बहुत सारे लोग जो है रील्स बना रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और आराम से आए हैं, आनंद ले रहे हैं इस ठंडी हवा का। जहां जम्मू में आज भी लोग 44 डिग्री 45 डिग्री और धूप की तपश से जूझ रहे हैं, दिल्ली में 52.5 डिग्री टेम्परेचर से जूझ रहे हैं, वहीं आज हम इन ठंडी हवाओं का, ठंडी फिजाओं का आनंद ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब इन हरे भरे जंगलों के बीचों बीच हम आए तो मेरे पीछे आप ये सरसब्ज मैदान देख रहे होंगे। इस सरसब्ज मैदान इस तालाब को और भी खूबसूरत बनाता है। ये सरसब्ज फर्श जो है, ये चादर जो यहाँ पे बिछी हुई है, ये इस तालाब को और खूबसूरत बनाता है, इसकी खूबसूरती और बढ़ाता है। जब भी आपने डोसा वाले इलाके में आना है तो जरूर आप अपने घर से अगर खाना पका के लाते हैं तो आप अपने साथ एक बेडशीट वगैरह अगर लाते भी हैं तो जरूर आप इस जगह पे अपने फैमिली को रख सकते हैं, उसके बाद बच्चों को रख सकते हैं, वो खेल कूद कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप खाना पका के नहीं लाते हैं तो आपके लिए वो भी इंतजाम यहाँ पे हैं कि आप कच्चे चावल लेके आए और उसके बाद चिकन वगैरह आपने लाना है, दाल वगैरह लेके आनी है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मयसर होंगी और आप इन तमाम चीजों का आनंद भी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ बिल्कुल इस तालाब के साथ में बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों से भी आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और जो हॉस्पिटैलिटी मुझे यहाँ के लोगों की लगी, डोसा के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो मुझे लगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इनका प्यार और मोहब्बत देख के मुझे और यहाँ पे सुकून आया। इन लोगों ने प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे साथ बात की और उसके बाद ये भी कहा कि ये जो शांत इलाका है, एक वक्त हुआ करता था कि इसमें बहुत सारे लोग आते थे मगर अफसोस कि किसी ने आज तक भी सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें नहीं दिखाई। तो आज हमारा मकसद यहाँ आने का यही है कि हम यहाँ पे आए और उसके बाद आपके सामने ये तस्वीर जो है वो पहुंचाएं, ताकि आप भी यहाँ आए और इस जगह का आनंद लें। उसके साथ ही साथ अगर देख पा रहे होंगे आप तो ये मेरे देश की आन बान शान, ये तिरंगा जो है ये इस पांड के बिल्कुल गेट के सामने है और ये किस शान से अभी लहरा रहा है, ये मेरे दिल को और बात छू जाती है। तो जब भी आपने डोसा के इलाके का दौरा करना है, आप चाहते हैं कि हम भी ये तमाम चीजें देखें, आप भी चाहते हैं कि ये मंजर हम भी देखें, तो जरूर गुंदो भलेसा का ये इलाका डोसा है, आप जब भी अपनी गाड़ी जो है रोड के साइड पार्क करेंगे उसके बाद सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है और 10 मिनट के बाद आप इस खूबसूरत सी जगह पे पहुंच जाएंगे और इसका आनंद लेंगे और यहाँ की ठंडी हवाओं और फिजाओं का आनंद भी लेंगे।